हेलो फ्रेंड्स, वेलकम यू माय यूट्यूब चैनल केमिकल टेक्नोलॉजी। टुडे दिस लेक्चर हाउ टू कैलकुलेट मोटर आरपीएम एंड एजिटेटर आरपीएम। सो स्टार्ट नाउ। इसके लिए हमें क्या है, सिर्फ एक फॉर्मूला याद करना होगा। एक फॉर्मूले से ही हम एजिटेटर के भी आरपीएम और मोटर के भी आरपीएम हम निकाल सकते हैं। तो चलिए फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला एफ इज इक्वल टू एन पी अपॉन 120। सिर्फ इस फॉर्मूले से हम पूरी कैलकुलेशन करेंगे, बस देखते रहना ध्यान से। वेयर एफ इज इक्वल टू फ्रीक्वेंसी एन इज इक्वल टू आर पी एम, पी इज इक्वल टू पोल्स ऑफ मोटर। अब देखिए, एफ क्या, फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी क्या होती है, फ्रीक्वेंसी इंडियन की जो फ्रीक्वेंसी होती है वो 50 हर्ट्ज तक होती है, 50 हर्ट्ज तक। वैसे ही अदर कंट्री की अलग अलग होती है, जैसे कि ईस्टर्न जापान की 50 हर्ट्ज तक होती है, वेस्टर्न जापान की 60 हर्ट्ज तक होती है, वैसे ही इंडिया की भी 50 हर्ट्ज तक होती है। तो यहाँ से हमें क्या निकालना है, आरपीएम एन, एन इज इक्वल टू एफ मल्टीप्लाई 120 अपॉन पी। एन आरपीएम हो गया, एफ फ्रीक्वेंसी हो गई, और पी क्या हो गया, पोल्स ऑफ मोटर। पोल्स ऑफ मोटर क्या होता है, देखिए जो मोटर होती है आपने देखा होगा मोटर के अंदर कॉपर की वाइंडिंग की जाती है, अंदर इस टाइप से होता है गोल गोल, उसमें इस टाइप के लगे होते हैं, ये इसमें क्या है, कॉपर की वाइंडिंग की जाती है इनमें, आपने देखा होगा मोटर के अंदर देखना। तो ये क्या होते हैं, पोल्स होते हैं, इन्हें को हम पोल्स बोलते हैं, मोटर के पोल्स जिस पर हम वाइंडिंग करते हैं कॉपर की, उसी को हम मोटर के पोल्स बोलते हैं। ये पोल्स किसी मोटर में दो भी होते हैं, किसी मोटर में चार भी होते हैं, और किसी में छह भी होते हैं। अब देखिए, जो आरपीएम होते हैं वो हमारे दो टाइप के होते हैं, एक होता है मोटर आरपीएम, एक होता है हमारा एजिटेटर आरपीएम। मोटर आरपीएम मतलब नो लोड आरपीएम, उस पर किसी प्रकार का भी लोड नहीं है, इसको हम नो लोड आरपीएम बोलेंगे। नो लोड आरपीएम निकालने के लिए बाद में हम विद लोड आरपीएम निकालेंगे, जब हमारा एजिटेटर लगेगा तो विद लोड हो गया, उसको हम बाद में कैलकुलेट करेंगे, पहले करेंगे हम मोटर का आरपीएम। अब देखिए यहाँ से क्या, हमें पी पता चल गया, हमारा पोल्स ऑफ मोटर कितने होते हैं, दो भी होते हैं, चार भी होते हैं, छः भी होते हैं। अब ये पोल्स पता कहाँ से चलेगा, जो आपकी मोटर होती है, मोटर पर एक प्लेट लगी होती है, उस पर पोल्स हमारा शो किया जाता है कि कितने पोल्स की मोटर है। एफ फ्रीक्वेंसी कितनी होती है हमारी, 50 हर्ट्ज, हमें पता है इंडिया की फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज तक होती है, 50 हमारा आ गया। पी के कहाँ से जाएगा, हमारा मोटर की प्लेट से। तो कैलकुलेशन करते हैं, देखो फ्रीक्वेंसी कितनी होती है हमारी, 50 मल्टीप्लाई 120 अपॉन पी, दो भी होते हैं, चार भी होते हैं, छः भी होते हैं, मोटर के ऊपर प्लेट्स पर लगे होते हैं। मान लिया मैंने चार, मान लेता हूँ यहाँ पर, कोई जरूरी नहीं चार लिखूँ मैं, यहाँ पर दो भी लिख सकता हूँ, छः भी लिख सकता हूँ। अगर आपको मोटर के निकालने हो तो मोटर पर प्लेट लगी होती है, वहाँ से आप देख कर निकाल सकते हो। तो मान लिया मोटर पर चार पोल्स लगे हुआ है, अब इसको कैलकुलेशन कर लेंगे, चार तिया 12 है और 3 5 15 है, एन इज इक्वल टू 1500 आरपीएम। ये क्या आ गया, मोटर आरपीएम आ गया, समझ में आ रहा है, ये आ गया हमारा मोटर का आरपीएम। हमें क्या चाहिए, सिर्फ ये फॉर्मूला, एक फॉर्मूले से हमने मोटर का आरपीएम निकाल चुके हैं। अब हमें यह निकालना एजिटेटर का आरपीएम, हमें मोटर का आरपीएम तो निकल चुके हैं, एजिटेटर का आरपीएम देखो कैसे निकालते हैं। एजिटेटर मतलब विद लोड, एजिटेटर आरपीएम या विद लोड आरपीएम,
देखिए उसके लिए क्या है, एजिटेटर आरपीएम के लिए क्या है, एजिटेटर आरपीएम इज इक्वल टू मोटर आरपीएम अपॉन गियर बॉक्स रेशियो। एजिटेटर आरपीएम निकालने के लिए क्या क्या होना चाहिए हमारे लिए, एक होना चाहिए मोटर आरपीएम, दूसरा गियर बॉक्स रेशियो। गियर बॉक्स रेशियो क्या होता है, जो आपका मोटर के नीचे गियर बॉक्स लगा होता है उस पर हमारी एक प्लेट लगी होती है, उस पर हमारा गियर बॉक्स रेशियो लिखा होता है, या फिर इसको हम V1 से भी डिनोट करते हैं। V1 बराबर कुछ लिखा होता है वहाँ पर, V1 16 है, V1 18 है, V1 22 इस टाइप से लिखे होते हैं मोटर के नीचे गियर बॉक्स लगा होता है उस पर। मान लिया मैंने V1 16 मान लेता हूँ, तब क्या होगा, अगर मेरा गियर बॉक्स जो है रेशियो 16 है, 1500 आरपीएम हमारे यहाँ से आ गए अपॉन 16 है, 16 नंबर 144, 16 48 कितना आरपीएम आ गया हमारा, 93 आरपीएम। ये किस चीज का आरपीएम आ गया, एजिटेटर का विद लोड आरपीएम हमारा कितना आ गया, 93 आरपीएम एजिटेटर, 93 आरपीएम हमारा एजिटेटर का आरपीएम आ गया। अब इसकी हमें जरूरत क्यों पड़ी निकालने के लिए, देखिए कंपनियों में इंडस्ट्री में क्या होता है, कहीं पे मोटर के आरपीएम शो होता है और कहीं पे एजिटेटर का आरपीएम शो होता है। अब मान ले क्या है, मोटर के आरपीएम शो कर रहा है किसी भी इंडस्ट्री में, मेरे किसी बॉस ने या मेरे किसी सीनियर ने बोल दिया कि हाँ भाई जा और उस रिएक्टर के जाकर एजिटेटर के आरपीएम बढ़ाया कि उसके आरपीएम तू 80 करके आ। अब वहाँ पे क्या शो हो रहा, मोटर के आरपीएम शो हो रहे, मोटर के आरपीएम कितने शो हो रहे, 1500। मुझको बोला 80 आरपीएम करने के लिए, तो मैं क्या करूँगा, तो देखिए हम यहाँ से हम इसी फॉर्मूले के हिसाब से हम क्या निकाल लेंगे, आरपीएम निकाल सकते हैं, 80 कर सकते हैं। 80 आरपीएम के आरपीएम पे करने के लिए हमें क्या करना होगा, जब 93 आरपीएम पे हमारा मोटर का आरपीएम 1500 चल रहा है, तो 80 एजिटेटर के 80 आरपीएम करने के लिए हमें मोटर के आरपीएम हमें कितने करने होंगे, देखिए उसके लिए क्या करना होगा, 80 मल्टीप्लाई जो हमारा गियर बॉक्स रेशियो है 16 इज इक्वल टू 16 8 128 आरपीएम ऑफ मोटर, जो हमारे मोटर के आरपीएम वो हमें 1280 करने होंगे। समझ में आ गया, देखिए दोबारा समझा देता हूँ, रिपीट करा देता हूँ, इस फॉर्मूले से हमारा पूरी कैलकुलेशन निकल जाएगी। एफ की हमारी फ्रीक्वेंसी जो हमारी इंडियन फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज तक होती है, एन इज इक्वल टू आरपीएम है, पी इज इक्वल टू पोल्स ऑफ मोटर, मोटर के पोल्स हैं जो कि हमारे मोटर के प्लेट्स पर लिखे होते हैं। यहाँ से कैलकुलेशन करके आप निकाल सकते हो, ये 4 भी होते हैं, 2 भी होते हैं, 6 भी होते हैं, 1500 आरपीएम आ गया। यहाँ से एजिटेटर के आरपीएम निकालने हो तो 1500 ओपन गियर बॉक्स या V1 आपका गियर बॉक्स पर लिखा हुआ होता है, यहाँ से कैलकुलेशन करके आप एजिटेटर के आरपीएम निकाल सकते हो। सिर्फ इस फॉर्मूले से आप सारा कुछ निकाल सकते हो, 2 मिनट भी लगेगी निकालने के लिए, 1 मिनट में आप सारा आरपीएम निकाल सकते हो, ये सिखाने में टाइम लग गया, इसलिए टाइम लगा है वीडियो बनाने में। तो आज के लिए इतना ही, वीडियो अच्छी लगी हो लाइक कर दो, शेयर कर